नमस्कार, मेरा नाम है था, आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू और आप मेरे हाथ में देख सकते हैं यह है Redmi Note 4 और इस फोन को मुझे यूज करते हुए ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है। इससे पहले मेरे पास था 3GB रैम और ये वाला फोन है 4GB रैम के साथ में। और मैं आपको बता दूं, ये Xiaomi का फर्स्ट फोन है जो कि मैंने इतने लंबे टाइम तक यूज किया है और ये काफी अमेजिंग फोन है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके कुछ टिप्स, ट्रिक एंड हिडन फीचर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें आपको जो MIUI वर्जन मिलने वाला है अभी वो है 8.1 और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुत ही जल्द इसमें 8.2 का अपडेट आ जाएगा, तो वहां पे कुछ नए फीचर और कई सारे बग्स हैं जो वहां पे फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ हिडन फीचर के साथ में, जिसमें नंबर वन है मूव एप्स। अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को मूव करके दूसरे पेज पे ले जाना है तो सिंपली हम ट्रैक करते हैं इस तरीके से और ये दूसरे पेज पे चली जाती है। लेकिन अगर हमें काफी सारी एप्लीकेशन मूव करनी होती है तो हमें एक एक करके करना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप अपनी होम स्क्रीन को जूम आउट करिए, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा मूव एप्स का। जैसे ही ये ऑप्शन आ जाता है आपको जो जो एप्लीकेशन मूव करनी है उनको आप क्लिक करके ऐसे कर सकते हैं और ले जाइए नेक्स्ट पेज पर और सारी एप्लीकेशन को आप एक साथ मूव कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है कि हमें जो भी एप्लीकेशन मूव करनी है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। नंबर टू, सेकंड स्पेस। सेकंड स्पेस ऐसे ही काम करता है, जैसे कि हम अपने पीसी में कोई अलग यूजर बना देते हैं वैसे ही आप इस फोन में भी एक अलग यूजर बना सकते हैं सेकंड स्पेस के थ्रू। यह ऑप्शन आपको मिलेगा सेटिंग्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड स्पेस। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं जो आपका मेन स्क्रीन है, मीन्स जो भी आपने अपने मेन स्क्रीन पे रखा हुआ है, इस यूजर पे रखा हुआ है, वो सारा हट जाएगा और यहाँ पर एक नया यूजर क्रिएट हो जाएगा। हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक सेकंड स्पेस क्रिएट किया हुआ है, अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा और यहाँ पे आपको उसके बाद ऑप्शन मिलेगा गो टू सेकंड स्पेस का। तो जैसे ही मैं सेकंड स्पेस पे जाता हूँ ये वाला यूजर स्टॉप होकर एक नया यूजर हमारे सामने आ जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक नए यूजर की तरह काम कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये फोन देखेगा बिल्कुल अलग। नंबर थर्ड, क्विक बॉल। क्विक बॉल वैसा ही फीचर है जो कि हमें आईफोन में असिस्टिव टच देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपको क्विक बॉल के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। आप जाएंगे एडिशनल सेटिंग में, यहाँ पे क्विक बॉल का ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर लीजिए और आपके मेन स्क्रीन पे बॉल नजर आएगा और वहां पे आप इन सारे फीचर को यूज कर सकते हैं। ये फीचर काफी शॉर्टकट हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे रीसेंट की का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लॉक कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये सारे फीचर यूज कर सकते हैं और अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नंबर फोर, वन हैंडेड ऑपरेशन। जैसा कि आप जानते हैं Redmi Note 4 का स्क्रीन साइज है 5.5 इंचेस का, लेकिन कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है एक हाथ से इसको ऑपरेट करने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन है वन हैंडेड ऑपरेशन का, आपको जाना होगा एडजस्टमेंट सेटिंग में, यहाँ पे आपको मिलेगा वन हैंडेड ऑपरेशन, इसको आपको ऑन करना होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है 4.5 इंच का स्क्रीन साइज, 4 इंचेस का स्क्रीन साइज और 3.5 इंच का स्क्रीन साइज। आप चाहें तो इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं और जिस साइज का स्क्रीन आपको चाहिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी सेलेक्ट कर लेते हैं 3.5 इंच का स्क्रीन साइज को और हम बैक जाते हैं, तो आपको करना यह है कि होम बटन से आपको राइट या लेफ्ट स्वाइप करना है जिस भी साइड आप स्क्रीन चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि स्क्रीन मेरी राइट साइड हो तो मैं स्वाइप करूंगा होम बटन से राइट की तरफ, तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा और ये आपको इनेबल करना है फर्स्ट टाइम। जैसे ही हम इसको ओके किया, नेक्स्ट टाइम अब ये नहीं पूछेगा और आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरे सामने 3.5 का स्क्रीन साइज आ गया है और अब मैं सारे फोन को इसी स्क्रीन पे यूज कर सकता हूँ। नंबर फाइव, डबल टैप टू वेक अप स्क्रीन। जैसा कि आप जानते हैं Redmi Note 4 में आपको फिंगरप्रिंट मिलता है इस साइड, अगर आपका फोन ऐसे पड़ा है तो आपको प्रॉब्लम होगा स्क्रीन को अनलॉक करने में, लेकिन अगर आप यूज करते हैं डबल टैप टू वेक अप स्क्रीन का तो आप दो बार टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, इसको ऑन करने के लिए आपको जाना हो सेटिंग में, सेटिंग में आपको मिलेगा डिस्प्ले का ऑप्शन और डिस्प्ले में आप डबल टैप टू वेक अप स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। नंबर सिक्स, फोटो स्टाम्प। ये फीचर आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके पिक्चर्स के बॉटम साइड में आपको मिले डेट और टाइम का ऑप्शन, तो आप फोटो स्टाम्प को यूज कर सकते हैं और उसके लिए आपको जाना होगा मोड्स में, मोड्स में आपको मिलेगा सेटिंग और यहाँ पे आप फोटो स्टाम्प को ऐड कर सकते हैं। तो आपको दिखेगा कुछ इस टाइप से, जहाँ पे आपको डेट और टाइम का ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएगा। नंबर सेवन, नोट्स ऑन होम स्क्रीन। आपको यहाँ पे मिलता है नोट्स का ऑप्शन, आपको कोई भी नोट्स चाहिए होम स्क्रीन पे तो आप यूज कर सकते हैं इस फीचर का, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं प्लीज ऑन होम स्क्रीन। तो अगर आपको ऐसा कोई भी काम है जो कि आपको याद रखना है तो यहाँ पे आप होम स्क्रीन पे नोट को ऐड कर सकते हैं।
8 फोर्स क्लोज ऐप। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन को फोर्स क्लोज करना होता है तो आपको ऐप मैनेजर में जाकर फोर्स क्लोज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस फीचर का शॉर्टकट यूज करना तो आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बटन्स का, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट, होम और बैक बटन आपके सामने है, तो आप किसी भी बटन का यूज कर सकते हैं इस फीचर के लिए। जैसे ही मैंने ओपन किया रिसेंट एप्लीकेशन को तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे और वहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज करंट ऐप। इसका मतलब मैंने रिसेंट बटन को क्लोज करंट ऐप के लिए यूज कर लिया है। सपोज मैं चाहता हूँ स्पीड टेस्ट को फोर्स क्लोज करना, तो मुझे रिसेंट बटन को प्रेस करके रखना है और यहाँ पे ये एप्लीकेशन फोर्स क्लोज हो जाएगा। तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं एप्लीकेशन मैनेजर में जाकर एप्लीकेशन को फोर्स क्लोज करूँ। 9 टेस्ट योर फोन। ये फीचर उन लोगों के लिए यूजफुल है जो कि अपने फोन का टेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोई सेकेंड हैंड फोन खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको आना है अबाउट फोन में। यहाँ पे आपको मिलेगा कर्नल वर्जन, इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो आपको आपके फोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं हर एक फीचर का जो कि फोन में अवेलेबल है। जैसा कि मैं टेस्ट करना चाहूँ अभी स्पीकर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। तो अगर हम टेस्ट करना चाहें किसी भी फीचर का तो हम अपने फोन में टेस्ट कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। 10 थ्री फिंगर्स टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें शॉर्टकट तरीके से तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको आपके फोन की मेन स्क्रीन पे थ्री फिंगर्स को टच करना है, और अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो यहाँ से आपको ये सेटिंग्स में जाके इनेबल करना है, और उसके बाद आप अपने फोन की होम स्क्रीन पे थ्री फिंगर स्वाइप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस टाइप से। तो ये काफी अच्छा शॉर्टकट है स्क्रीनशॉट लेने का। 11 पॉकेट मोड। आपने कई बार नोट किया होगा कि अगर आपका फोन लॉक नहीं है तो पॉकेट में वो अपने आप काम करने लगता है, लेकिन इस फीचर का यूज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉकेट मोड, आप इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो आपका फोन पॉकेट में काम नहीं करेगा, और ये फीचर काम करता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर के थ्रू। जैसे ही मेरा फोन पॉकेट में है, सपोज अभी मेरा फोन पॉकेट में है और अगर मैं इसका कोई यूज लेना चाहूँ तो स्क्रीन अनलॉक होने के बावजूद भी ये काम नहीं कर रहा है, तो ये काफी अच्छा फीचर है, आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। तो ये थे Redmi Note 4 के कुछ टिप्स एंड हेडेड फीचर। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो। आगे कैसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।